हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं एमजी मनीष कुमार, जीएस टीचर फ्रॉम पटना बिहार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहला जो है हम लोग इसमें बात करना है कि नोटिस में, जैसे कि सभी को जानते हैं कि कल आपका नोटिस आया है, तो नोटिस में आपका 17 अगस्त जो है ग्रुप डी का एग्जाम डेट दिया गया है। तो इसी में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो 17 अगस्त है, स्टूडेंट लोग अभी भी नाखुश है, बहुत लोग स्टूडेंट नाखुश है। उन लोग का कहना है, कुछ स्टूडेंट तो कमेंट कर रहे हैं, सर 17 अगस्त में एग्जाम पॉसिबल नहीं है, 17 अगस्त नहीं होगा, ये फिर से डिले होगा, क्योंकि 17 अगस्त जो है टेंटेटिव लिखा हुआ है। तो ये 17 अगस्त होगा या फिर 17 सितंबर जाएगा या फिर 17 अक्टूबर जाएगा। तो इसी पे जो है हम लोग डिस्कस करेंगे और जो है इसका पीछे पूरा सच्चाई क्या है कि ग्रुप डी का एग्जाम क्या रियली 17 अगस्त से ही आपका होगा, पूरा हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे, पूरा प्रूफ के साथ सब कुछ जो है डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोग देखिए कि पढ़ाई भी साथ में आप लोग के लिए जरूरी है। तो ये जो है एक हमारे पास बुक आया हुआ था, हम पहले भी इस बुक को दिखाए थे कि एसडी पब्लिकेशन का आपका ये बुक है, एसडी पब्लिकेशन का बुक है, अरुणा यादव इनके राइटर है, जनरल नॉलेज का, जीके जीएस का, आपका किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का आप तैयारी करते हैं, एसएससी, रेलवे, पीसीएस, एनसीईआरटी, यूनिक बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, इंग्लिश हिंदी दोनों में बुक आपका है। काफी बढ़िया बुक है, बेस्ट बुक है, बहुत अच्छा लगा बुक का रिस्पॉन्स देखने के बाद। इंग्लिश हिंदी दोनों में आप लोग के लिए ये है, ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। और इसके अंदर जो हम काफी सारे देखे, इसमें हर एक टॉपिक को जो है कवर किया गया, हर एक टॉपिक को जीके जीएस का पूरा टॉपिक इसमें कवर किया गया है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे देंगे, वहां से जो है आप इस बुक को जो है ले सकते हैं, ठीक है। आइए अब जरा सा हम लोग देखते हैं कि ग्रुप डी का एग्जाम आपका क्यों होगा जो आपका 17 तारीख को ही कहा जा रहा है। देखिए काफी ऐसे डिले हो चुका है। और दूसरा जो बात ये रहा कि आपका जो, हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि सर जो है पूरा शेड्यूल आना चाहिए, कि सर शेड्यूल आना चाहिए कि कब कौन कौन सा एग्जाम होगा, कौन सा फेज का पहले एग्जाम होगा, कब से कब क्या होगा, फेज वाइज तो बोली दिया गया कि फेज वाइज आपका होगा, पूरा शेड्यूल आना चाहिए। तो उसी के ऊपर जो है हम जो है आप लोग से बात भी करेंगे। देखिए अब जो है आपका बिल्कुल भी नहीं डाला जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि रेलवे मिनिस्टर जो है उन्होंने कह दिया है कि लगभग 1.5 लाख और 1.5 साल में उनको 1.5 लाख वैकेंसी देना है एलपी, और ऊपर से इलेक्शन भी है 2024 में, और वो जान गए हैं कि इस बार जो भी वैकेंसी आएगा उसको पूरा भी करवाना है 2024 तक। इसी का आपका करवाते करवाते लगभग जो है अभी लगभग आपका 1 साल इसी को जो है फाइनल प्रोसेस तक लग जाएगा। तो और वैकेंसी कब आएगा उसको जो है और भी देखते हुए, और इलेक्शन सबसे बड़ा जो है इलेक्शन से, रेलवे का हर एक वैकेंसी जो है इलेक्शन के मुद्दे पर रहता है, तो इसको अभी करवाएंगे, फिर आपका ये होगा, क्या होगा, फिजिकल होगा, फिर उसके बाद आपका मैंने अभी काफी मेडिकल होगा, तो इसी में भी लंबा प्रोसेस चलेगा। एएलपी का आपका वैकेंसी का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है, उसके बाद आरपीएफ, जेई, एसएससी, ये सब जो है वैकेंसी को आगे माह क्लियर करने वाले हैं, गवर्नमेंट का स्कीम, और हमारे मोदी जी भी जो ट्वीट कर दिए हैं कि आपका 10 लाख नौकरी जो है तो वो जो है वो भी देना है। तो हर एक चीज को जो है पूरा करना है, और इलेक्शन में अब काफी कम समय है, आप लोगों को लगता होगा कि हाँ काफी समय है, बिल्कुल कम समय है, इलेक्शन में मात्र 1.5 साल ही बचा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए और अपना तैयारी को जो है पूरा मेहनत कीजिए, क्योंकि इससे आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा, 1 लाख वैकेंसी जो है दोबारा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना पढ़ाई को मेहनत कीजिए पूरा लगातार, कि एनटीपीसी में रिजल्ट नहीं हुआ काफी लोगों का, बहुत लोग निराश थे, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप डी आपके सामने है, जॉब सबसे पहले आप ले लीजिए, फर्स्ट प्रेफरेंस, आप कोई भी बेटर जॉब करते हैं तो अभी आप कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लीजिए और अपना पढ़ाई को जो है अपना आप कंटिन्यू कीजिए, जिससे एक बार अगर आप ले लिए तो पूरा जो है दुख दर्द आपका समाप्त हो जाएगा। और जो है एग्जाम कैलेंडर के लिए हम लोग सोचेंगे कि रेलवे को जरूर, और हम आपको पहले ही बताए थे कि देखिए एक दो दिन में कुछ ना कुछ अपडेट आ जाएगा, तो एग्जाम कैलेंडर का भी हम आशा यही रखते हैं कि बहुत जल्द आपका ग्रुप डी का एग्जाम कैलेंडर भी आ जाएगा, और 17 अगस्त से आपका जो है कंफर्म आपका पूरा जो है ग्रुप डी का एग्जाम होगा ही होगा, ठीक है। तो हमारा सपोर्ट आपके साथ हमेशा है, और 4 तारीख से हम बार बार हर एक वीडियो का लास्ट में कह देते हैं, 4 तारीख से साइंस का क्लास हम यहाँ पे बिल्कुल फ्री में स्टार्ट करेंगे इसी चैनल पर, क्या चीज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का और न्यूमेरिकल का 500 क्वेश्चन, और साइंस का टोटल आपका 2500 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल का 500 क्वेश्चन, बिल्कुल फ्री में करेंगे डिस्कस इसी चैनल पर। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।